ये दिस इज थर्ड पेपर ऑफ मॉक टेस्ट पेपर जून एग्जाम. लास्ट लेक्चर तक क्वेश्चन नंबर 6A हमने कर लिया था. नाउ वी विल कंप्लीट 6B एंड 6C और फिर फिफ्थ क्वेश्चन हमारा पूरा पेंडिंग है. सो टुडे वी विल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6B. ऑन 1 अप्रैल 2023 यूनिवर्स लिमिटेड इश्यूड 12% डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू 40 लैक्स एट 10% डिस्काउंट. सो डिबेंचर्स आर इश्यूड एट डिस्काउंट. डिबेंचर इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स 10% वॉज पेबल ऑन 30th September एंड 31st March एवरी ईयर. ऑल डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड एट द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 5 years. कितना परसेंट प्रीमियम पास जर्नल एंट्रीज फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024. देखो क्वेश्चन नंबर 6B. जर्नल ऑफ यूनिवर्स लिमिटेड जर्नल ऑफ मेसर्स यूनिवर्स लिमिटेड फर्स्ट अप्रैल 23 खाली करंट ईयर की एंट्रीज चाहिए. 1 अप्रैल 23 डिबेंचर्स इश्यूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम है. इश्यूड एट डिस्काउंट अगर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे तो आज 2 एंट्री पास करेंगे. पहले इश्यूड एट डिस्काउंट लीव 3 लाइंस एंड प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉस. इश्यूड अ डिस्काउंट प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉस. सो ऑन द फर्स्ट डेट ये 2 एंट्री बनेगी. कितना परसेंट डिस्काउंट बोला हुआ है? 10% और रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम और 12% डिबेंचर्स है. सो फर्स्ट एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट. डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. To 12% debentures account
12% डिबेंचर्स, 40 लाख है, सीधा 40 लाख है। सो अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स इज गिवन, नॉमिनल वैल्यू इज गिवन 40 लाख। 40 लाख का 10% हो गया 4 लाख। $36 लाख एंड प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉस के लिए एंट्री पास करेंगे हम लोग, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, फोर्टी लैक्स का 5%, हाँ 40 लैक्स का 5% कम्स टू 5 years है ना, तो ये डिस्काउंट को और लॉस को 5 years में राइट ऑफ करेंगे। प्रॉब्लम में कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि एंटायर लॉस विल बी रिटर्न ऑफ इन द करंट ईयर, कभी कभी ऐसा बोलते हैं तो पूरा लॉस करंट ईयर में राइट ऑफ कर देने का। अब साल में 2 बार इंटरेस्ट देना है, पहला इंटरेस्ट देना है 30th September को, 6 महीने का इंटरेस्ट। सो माई नेक्स्ट डेट विल बी 30th September। September 23, पेमेंट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट। लेकिन साथ में अपने को TDS काट के देना है ना। सो एंट्री बनेगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, फोर्टी लैक्स नॉमिनल वैल्यू है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% इंटू 6/12। 40 लैक्स का 12% कितना 480 इंटू 6/12 कम्स टू 2,40,000। टू बैंक अकाउंट, एंड टू TDS पेएबल अकाउंट, कितना परसेंट TDS डिडक्ट करने बोला है? डिबेंचर इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग 10% टैक्स एट सोर्स। सो 10% का मतलब हो गया 24,000, 2,16,000 और ये जो TDS डिडक्ट किया फिर वो भरना पड़ता है अपने को। सो अगली एंट्री पॉइंट नंबर बी, पेमेंट ऑफ TDS। नेशनलाइज्ड बैंक में जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकाउंट में भरना पड़ता है, अब तो ऑनलाइन भी पेमेंट हो सकता है। TDS पेएबल अकाउंट डेबिट, टू बैंक, TDS पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी यही एंट्रीज विद द सेम अमाउंट हमको 31st December को भी पास करनी है। साल में 2 बार इंटरेस्ट बोला है ना। सेप्टेम्बर की एंट्रीज हो गई, सेप्टेम्बर के बाद में थर्टी फर्स्ट मार्च
फिर से यही दो एंट्री, कॉपी बोथ द एंट्रीज। और 31 मार्च को एक एंट्री और आएगी, ट्रांसफर एक्सपेंसेस टू पीएनएल, ट्रांसफर एक्सपेंसेस टू पीएनएल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सो डिबेंचर इंटरेस्ट देखो 2,40,000 डेबिट दो बार हुआ है, 2,40,000, 2,40,000 कम्स टू 4,80,000। टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स 4 लैक्स है ना, टोटल डिस्काउंट 4 लैक्स है, लेकिन इयर्स कितना है, लाइफ, लाइफ 5 इयर्स, बोलो कितना हो जाएगा, क्या बोल रहे हो, 80,000 पर ईयर एंड टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 2 लैक्स है, कितना हो गया 40, व्हाट इज द टोटल ऑफ दिस, एक ही साल का पूछा था आपने को, वन ईयर, कितने मार्क्स का क्वेश्चन था ये, सो 5 मार्क का ये क्वेश्चन भी हो गया, तो समझा क्या, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है। नाउ कम्स बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, प्रिपेयर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एंड एडजस्टेड कैश बुक, साथ में एडजस्टेड कैश बुक भी पूछा है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक बनाओ, नंबर सी, एमेंडेड कैश बुक, प्रिपेयर इट फॉर 8 लाइन्स, amended cash book and below that write bank reconciliation statement, and working nahi banai, bank reconciliation statement is on 31st December 2023, एज ऑन 31st December 2023। अमेंडेड कैशबुक बनाने के बाद तो हार्डली 3 या 4 ट्रांजेक्शन ही बचते और कुछ नहीं। चलो बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक स्टार्टिंग पॉइंट है 1,98,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन,
फिर आ गया बैंक चार्जेस, डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, तो कैशबुक में लिख देते हैं, कौन से बाजू लिखने का, पेमेंट साइड। 34,000 बैंक चार्जेस के बाद है रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ऑन 31 दिसंबर नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, तो रिकॉर्ड कर लेते हैं ना, डेटर से कलेक्शन हुआ आरटीजीएस मतलब सीधा बैंक में आए, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, तो कैशबुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिसीव्ड है ना, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। और चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये तो बैंक रिकंसिलेशन आइटम है, इसको पेंडिंग रहने देते, बाद में करेंगे। चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर, ये भी बैंक रिकंसिलेशन आइटम है, तीन ही तो आइटम आएगा, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर, चेक इश्यूड नॉट क्लियर और बैंक की मिस्टेक्स, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, चेक रिसीव्ड था डिपॉजिट हुआ मतलब पासबुक में क्रेडिट हो गया डेबिट हो गया, एंट्री फॉर डिसऑनर नॉट मेड इन कैशबुक, सो अभी पासबुक में डेबिट हो गया तो कैशबुक में क्रेडिट, बाय चेक डिसऑनर ये कैशबुक में नहीं रिकॉर्डेड, 5000 ही है ना, लिखो बाय चेक डिसऑनर। सो ये डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर है, डेटर्स टू बैंक, सो बाय चेक डिसऑनर। लास्ट इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट गिवन टू बैंक ऑन 31 दिसंबर बट द सेम इफेक्टेड बाय बैंक ऑन विच डेट, तो ये भी तो पासबुक का आइटम है ना, जैसे चेक इश्यूड नॉट क्लियर होता है ना वैसे, ये तीनों आइटम बीआरएस में आएंगे। कैशबुक क्लोज करते हैं 1,02,98,000, माइनस 39 ना, 2,00,000, बाय बैलेंस सीडी, सो ये तो बैंक बैलेंस ही हुआ ना, डेबिट बैलेंस ही हुआ, सो बैलेंस एज पर कैशबुक, ₹2,59,000 और पहला क्या है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड का मतलब है पैसा जाने वाला था, गया कि नहीं गया, नहीं गया तो ऐड करेंगे कि लेस करेंगे, ऐड, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 45,000, फिर पैसा आने वाला था नहीं आया, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर, पैसा आने वाला था नहीं आया, तो ये आने वाला था नहीं आया था तो लेस ही करेंगे, चेक डिपॉजिटेड येट नॉट क्लियर, और एक लास्ट वाला भी शायद ऐड ही होगा, इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट, लेकिन ये पेमेंट बैंक से कभी हुआ, हाँ तो डायरेक्ट पेमेंट नॉट मेड बाय बैंक, इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट नॉट
instruction for payment. Not affected by bank. कितने का instruction है? 4,000. जैसे check issued but not presented है ना, पैसा instruction दे दिया था लेकिन payment हुआ नहीं, जाने वाला था पैसा नहीं गया. बोलो क्या आंसर है? 283 पॉजिटिव है, बैलेंस है तो ये भी बैलेंस ही रहेगा. बैलेंस एज पर पासबुक. चलो बैलेंस एज पर पासबुक 283,000 डन. सो मेरा क्वेश्चन नंबर 6 में ये दो क्वेश्चन बाकी था, हमने कर लिया. अभी ओनली क्वेश्चन लेफ्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 पहले कंपनी अकाउंट्स का एक क्वेश्चन है, बोनस शेयर्स का. पहले ये कर लेते क्वेश्चन नंबर 5 सी. आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5. ये बोनस शेयर्स का रेगुलर प्रॉब्लम है. फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ पुरी लिमिटेड. ऑथराइज कैपिटल में 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच, और यहां पे देखो उसमें से 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर दिया. 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, उसमें से अभी 1,35,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू किया और कितना पेड अप है? तो फाइनल कॉल अभी भी 2 रुपये बाकी है. जनरल रिजर्व्स है, जनरल रिजर्व्स कैपिटल रिजर्व्स है. रियलाइज बोला है तो यूज करेंगे बोनस में. रियलाइज बोला है, रियलाइज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट वी विल यूज इट. सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड प्रॉफिट एंड लॉस. ऑन 1st अप्रैल कंपनी मेड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 ऑन 1,35,000 इक्विटी शेयर्स एंड द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड ऑन 20th अप्रैल. सो मेकिंग अ फाइनल कॉल, रिसीव्ड अ फाइनल कॉल मनी कलेक्ट हो जाएगा. Thereafter, company decided to capitalize its reserves by way of bonus at the rate of 1 for every how many shares held, and decides to use capital reserves for bonus issue as it has been realized in cash. वो नहीं भी बोलते तो हम लोग कर लेते थे. Show necessary journal entries and prepare extract of balance sheet. अब बोला है extract of balance sheet after bonus, तो बनाना पड़ेगा. एग्जाम का क्वेश्चन है तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं इग्नोर कर देता हूं. पहले लिखो क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 तो ऊपर लिखा, ये सी लिखोगे. लिखो हेल्ड बोनस, वर्किंग बना लेते हैं फिर जर्नल बनाएंगे. हेल्ड बोनस, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स, खाली दो ही आने वाला. शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, और एक नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा शेयर कैपिटल का. देखो बोनस का रेशियो क्या है, डिसाइडेड टू 1 शेयर फॉर 4 हेल्ड 4 हेल्ड 1 बोनस. तो अपने पास 1,35,000 इश्यूड है ना, बोलो कितना हो जाएगा? 33,750. ये तो मॉड्यूल का क्वेश्चन है. इंटू 10 3,37,500. पूरा सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर लो, कैपिटल रिजर्व्स पूरा यूज करोगे,
सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम पे अपने पास है 37,500, कैपिटल रिजर्व्स है 60। फिर जनरल रिजर्व्स 97,500 तो मिल ही गया ना, जनरल रिजर्व्स में 1,80,000 है, वो पूरा ही ले लो। और कितना चाहिए? 60,000। हाँ ये ले लेंगे हम लोग पीएनएल अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर। अब इसके नीचे बना लो जर्नल। अच्छा ऑथराइज कैपिटल एक्सीड होएगा क्या? सो एक उसके लिए नोट बना लेते, एक नोट तो ये बन ही गया है। शेयर कैपिटल का नोट बना लो, फिर बैलेंस शीट में वहीं से लिख देंगे वैल्यू। शेयर कैपिटल तुम्हारा पहले ओरिजिनली ऑथराइज कैपिटल कितना था? 1,50,000। और 1,50,000 नहीं, इश्यूड कैपिटल वॉज हाउ मच? 135 के साथ ये 33,750 ऐड करो। ऑथराइज कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स तो एज इट इज कॉपी कर लो, 15,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 इच। प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 इच, लेकिन ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। ऑथराइज कैपिटल अपने पास इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल कितना था? 135 प्लस बोनस कितना आ गया? 33,750। सो कितना हो गया टोटल मिला के? सो लिखो 1,68,750। अब ऑथराइज कैपिटल वो नहीं है जो ऊपर दिया हुआ है, ऊपर तो हमको ऑथराइज कैपिटल कितना देके रखा था? 1,50,000, लेकिन अब हमने इश्यूड और बोनस को ऐड किया और ये अपना नया ऑथराइज कैपिटल है। कितना हो गया? 1,00,000। सिक्सटीन लैक्स 87,500। पहले 1,500,000 था, अब हो गया दोनों मिला के 16,50,000 था पहले दोनों मिला के, अब कितना हो जाएगा? 17,00,000। हाँ 18,37,500। ये तो हो गया ऑथराइज कैपिटल। फिर बैलेंस शीट में फिर ये नोट्स टू अकाउंट्स में लिखेंगे इश्यूड एंड पेड अप। इश्यूड एंड पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स तो 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स इश्यूड है दिया हुआ है ना, वो तो कॉपी कर लो एज इट इज 12,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 इच। 12,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इच फुली पेड अप। वन
120,000। और सुनो, इक्विटी शेयर्स भी अभी फुल्ली पेड अप ही हो गया क्योंकि फाइनल कॉल कर लिया हम लोग ने। वो 135 तो पूरा आ ही गया था और फिर 33,750 का तो हमने बोनस भी इश्यू कर दिया। तो ये जो 168,750 ऊपर दिख रहा है ना ऑथराइज कैपिटल, ये पूरा इश्यू कर चुके हैं। 168,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड अप। सिक्सटीन लाख एटी सेवन फाइव हंड्रेड। बट एक नोट लिखना पड़ेगा, जब भी शेयर्स इश्यू करते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश तो हमको एक नोट लिखना पड़ता है 5 ईयर्स तक। बोनस शेयर्स भी तो अदर देन कैश ही है ना अपना। बोनस शेयर्स आर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, क्योंकि बोनस शेयर्स रिजर्व्स में से इश्यू होता है। तो हम लोग एक नोट लिखेंगे, ये जो 168,750 है ना ऑफ द अबाव कितना 33,750 ऑफ द अबाव 33,750 इक्विटी शेयर्स इक्विटी शेयर्स वेर इश्यूड इक्विटी शेयर्स वेर इश्यूड एज फुली पेड अप बोनस शेयर्स फुली पेड अप बोनस शेयर्स बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। ऐसा नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। हम लोग बैलेंस शीट में इतनी डिटेल्स नहीं लिखते, इतने डिटेल्स के लिए हम लोगों को बनाना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट्स। बैलेंस शीट में तो बस ये टोटल आता है, ये ऑथराइज कैपिटल का टोटल नहीं आता, याद रखना। ऑथराइज इज जस्ट अ लीगल रिक्वायरमेंट, इश्यूड एंड पेड अप। कितना आ गया 18 लाख 7,500। ये बैलेंस शीट में लिखेंगे, ये बैलेंस शीट में लिखेंगे। दो नोट्स बन गए, अब जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं। और बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बोला है ना, तो मेरे को बैलेंस शीट में एक्सट्रैक्ट में खाली शेयर कैपिटल और रिजर्व्स ही शो करना है बस, और कुछ नहीं। आई डोंट हैव टू शो एनीथिंग एल्स। नाम क्या कंपनी का? जर्नल ऑफ पुरी लिमिटेड। जर्नल ऑफ मेसर्स पुरी लिमिटेड। अच्छा, दो तो डेट्स अवेलेबल है, उसके बाद में कोई डेट्स नहीं दिए। 1 अप्रैल मेकिंग ऑफ फाइनल कॉल, 20 अप्रैल को पैसा मिल गया। मेकिंग ऑफ फाइनल कॉल क्या एंट्री पास करेंगे? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
135,000 शेयर्स इनटू टू, 2 रुपये ही था ना अनपेड, टू लैख 70,000 एंड 20th अप्रैल को रिसिप्ट ऑफ फाइनल कॉल मनी, पूरा पैसा मिल गया। बोलो क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2,70,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2,70,000 डन। नाउ कम्स बोनस शेयर्स, इसके लिए डेट नहीं दिए मेरे को, इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप। इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स में दो स्टैंडर्ड एंट्रीज आती हैं। पहले हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ बोनस। इसे डिक्लेरेशन ऑफ बोनस और बोनस डिक्लेयर्स हमने ये रिजर्व से किया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स एंड पीएनएल, ये सारे रिजर्व्स को डेबिट करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जरा अमाउंट बताओ ना वर्किंग से, 37,500। फिर कैपिटल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है, 60,000। फिर जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, कितना, 180। ये तो सारे रिजर्व्स ही खत्म हो गए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 60,000, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 3,37,500। और अगली एंट्री, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हम
हम लोग 30th अप्रैल की बैलेंस शीट बना लेते हैं, इवन दो आई डोंट हैव एनी डेट्स, बट ये मंथ एंड की बैलेंस शीट बना लेते हैं। और एक्सट्रैक्ट बोला है ना, तो खाली प्रेजेंटेशन है, कोई टैली करके दिखाने की जरूरत नहीं, उसके लिए पहले से टैली ट्रायल बैलेंस चाहिए। बैलेंस शीट एज ऑन 30th अप्रैल, एज ऑन 30th अप्रैल 2024 आफ्टर बोनस। After bonus issue, equity and liabilities number 1 shareholders funds shareholders funds we have only two items, share capital and reserves and surplus. Reserves and surplus के नीचे तीन लाइन खाली रख दो, बस हो गया, और कुछ है ही नहीं मेरे पास। मेरे पास ना तो नॉन करंट लाइबिलिटीज है, ना करंट लाइबिलिटीज है, कुछ नहीं है। टू द एक्सटेंट आई कैन प्रेजेंट, मैं तो यही प्रेजेंट कर सकता हूँ। बैंक अकाउंट प्रेजेंट करने में चले जाना, बैंक अकाउंट में तो और भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे, जो तुम्हारे पास ये एंट्री है वो ही नहीं है खाली बैंक बैलेंस। शेयर कैपिटल यहाँ से उठा लेंगे वर्किंग नोट नंबर टू से, कितना 18,07,500, डिटेल्स वहां से देख लो। और रिगार्डिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस, तुम देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस में ना ये जनरल रिजर्व्स पूरा यूज हो गया, कैपिटल रिजर्व्स बोनस के लिए पूरा यूज हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यूज हो गया, और ये 3 लाख में से खाली कितना यूज हुआ 60, सो खाली प्रॉफिट एंड लॉस ही बचा है। ओरिजिनली 3 लाख था, बोनस में 60 यूज हुआ, $2,40,000 है, सो 20,47,500 बस हो गया। इसके आगे मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ऊपर एक्सट्रैक्ट्स ओनली चाहिए तो लिख दो इधर। प्रेजेंटेशन ओनली, उन्होंने भी तो एक्सट्रैक्ट्स ही पूछा है, ऊपर लिख दो एक्सट्रैक्ट्स ओनली। They only wanted us to present this. Presentation ही चाहिए था, बना दिया विद बैलेंस शीट। ये क्या था क्वेश्चन नंबर 5C? ना क्वेश्चन नंबर 5A। एक जर्नल बना लो ना, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ केतन, केतन कैटिन क्या बोलेंगे, काटिन जो भी बोलेंगे, जर्नल ऑफ मेसर्स के, क्वेश्चन नंबर 5A। के ई है क्या, के ए, किस पे, वो तो ऑथराइज कैपिटल का, अगर मैं बैलेंस शीट नहीं बनाता तो वो वर्किंग बनाता, मैंने तो नया ऑथराइज कैपिटल दे दिया ना, बस हो गया। तुमको एक नोट लिखना तो ये लिख सकते हैं कि ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज सूटेबली, लिख लो चाहिए तो।
नहीं नहीं नोट लिख लो क्या है, इट्स बेटर टू राइट। तुम्हारा ओरिजिनली ऑथराइज कैपिटल कितना था? 1,50,000 ना। ऑथराइज्ड इक्विटी शेयर्स, ऑथराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज बाय 18,750 क्या? अभी 1,68,750 है ना नया, ऊपर देखो। हाँ, और पुराना क्या था? 1,50,000 था। ड्यू टू इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स यस, सो बोनस शेयर्स के वजह से अपने को ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करना पड़ा। भरत ओड टू के, कुछ भी नाम बनाए, भरत ओड टू के। ऑन 1st अक्टूबर भरत एक्सेप्टेड, बिल ड्रॉ किया है ना इसने, तो ये ड्रॉवर हुआ। सो बिल 3 महीने का है, 1st अक्टूबर 23। बोलो ड्रॉवर के लिए पहली एंट्री क्या पास करेगा? भरत, बिल्स रिसीवेबल। अच्छा हुआ इसका नाम नहीं लेना पड़ रहा है बार बार, कुछ भी नाम रखा हुआ है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू भरत, तीन महीने का बिल है, बिल है 50,000। नरेशन लिख लो, बीइंग बिल रिसीवेबल ड्रॉन, बीइंग बिल रिसीवेबल ड्रॉन, फटाफट एंट्री ले, इसके नीचे नरेशन लिखो, बीइंग बिल रिसीवेबल ड्रॉन, बीइंग बिल रिसीवेबल ड्रॉन। हो गया क्या लिख के? तुम लोग भी नालायक हो, लिखते नहीं हो। हाँ, सो वी गॉट इट डिस्काउंटेड फॉर 49,500 ऑन 3rd अक्टूबर। सो 3rd अक्टूबर को हमने डिस्काउंट करा लिया, 49,500 में डिस्काउंट करा लिया, तो अपने को 49,500 मिला। बैंक अकाउंट डेबिट 49,500, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 50,000। नरेशन लिख दो, बीइंग बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद बैंक, बीइंग बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद बैंक। हो गया, मैंने बोल दिया, तुम लोग ने लिख लिया। बिफोर द ड्यू डेट भारत अप्रोच्ड अस फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। तो पहला बिल तो डिसऑनर हो गया, तो अगर पहला बिल डिसऑनर हो गया तो रिवर्स एंट्री। अब डेट्स नहीं है मेरे पास, बिफोर द ड्यू डेट बोला है ना, तो मेरे को भारत से लेने का है और बैंक तो ले लेगा हमसे, टू बैंक। प्रॉब्लम में कोई नोटिंग चार्जेस तो दूर दूर तक दिखता नहीं है, तो 50,000 रुपीज भारत से लेने का है और बैंक तो हमारे अकाउंट से काट ही लिया पैसा।
being discounted will dishonored. Being discounted will dishonored. हो गया. Now our debtor agreed on the condition that 25,000 वो immediately देगा. 50,000 में से आधा पैसा आज ही देगा और इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग, रिमेनिंग 25,000 पे 12% इंटरेस्ट फॉर हाउ मेनी मंथ्स. सो पहले एंट्री इंटरेस्ट के पास करेंगे. लिखो इंटरेस्ट की एंट्री, भारत अकाउंट डेबिट. पहले इंटरेस्ट ड्यू करो, भारत अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट. 25,000 तो आज ही देने वाला है. बैलेंस 25,000 पे कितना परसेंट है? 12% और 3 महीना, बोलो 750. और ये कैश में मिलेगा अपने को, ये कैश में मिलेगा इंटरेस्ट. बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन न्यू बिल फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन न्यू बिल फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन न्यू बिल फॉर एक्सटेंडेड पीरियड. अब अपने को कैश मिलेगा, कैश में मिलेगा 25,000 रुपया तो बिल का, और 750 ये इंटरेस्ट, 25,750 और बाकी के लिए नया बिल 3 महीने के लिए. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और 25,000 टू भारत. इट कम्स टू 50,750. बीइंग कैश रिसीव्ड, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड. बीइंग कैश रिसीव्ड विथ इंटरेस्ट भी लिख सकते हो, बीइंग कैश रिसीव्ड विथ इंटरेस्ट एंड न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड. न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड. अब उसके आगे बोला हुआ है, एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 3 मंथ्स. दीज अरेंजमेंट वेर कैरिड थ्रू बट आफ्टर वर्ड्स भारत बिकेम इंसॉल्वेंट और 40% रिकवर्ड. इंसॉल्वेंट का मतलब है ये सेकेंड बिल डिसऑनर हो गया. ये सेकेंड बिल की एंट्री पास क्या हुई थी? बिल रिसीवेबल टू भारत, एंट्री उल्टी हो जाएगी. भारत अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. भारत अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 25,000 और अब ये 25,000 जो अपने को भारत से लेने का है उसमें खाली 40% ही कलेक्ट कर पाए हम लोग. नरेशन लिखो, बीइंग सेकेंड बिल डिसऑनर ऑन ड्रॉइज इंसॉल्वेंसी, बीइंग सेकेंड बिल डिसऑनर ऑन ड्रॉइज इंसॉल्वेंसी. Being second bill dishonored on Roy's insolvency. लिख दिया. Yes. अब इसके बाद नेक्स्ट कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट. ये 12th स्टैंडर्ड के लेवल का क्वेश्चन है. टू भारत. $25,000 क्रेडिट करो. कितना? 10,000 क्या? 10,000 कलेक्ट कर पाए ना? 40%. नरेशन लिखो, बीइंग 40% अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम ड्रॉइज एस्टेट, बीइंग 40% अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम ड्रॉइज एस्टेट. फोर्टी परसेंट अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम ड्रॉइज एस्टेट.
ये लो क्वेश्चन नंबर 5A इज ऑल्सो डन। पहले हमने कौन सा किया था, 5C किया था, अब 5B में दो चॉइस है, 5B में दो चॉइस है। इसमें ये वाला जो सैमुअल एंड कंपनी है ना, ये पहले कराया हुआ है मैंने कहीं ना कहीं, ये पहले कोई ना कोई पेपर में कहीं तो करवाया मैंने, सेम टू सेम है। आरटीपी में, कौन से आरटीपी में, जून। सैमुअल एंड कंपनी एम्प्लॉयज 9 वर्कर्स हु वर पेड 1,20,000 पर मंथ। अमाउंट भी सेम था क्या, बताओ कौन से आरटीपी का है, जून में। जून में नहीं मिलेगा तो हम लोग ढूंढ लेंगे सितंबर में। किया हुआ प्रॉब्लम फिर नहीं, कॉपी पेस्ट, मेरे लिए कॉपी पेस्ट, तुमको तो करना पड़ेगा। ये सितंबर के एमटीपी 2 में मिला है। देख लो, सॉल्यूशन सामने रखता हूँ और क्वेश्चन। सैमुअल एंड कंपनी हैज 9 वर्कर्स हु वेर पेड 1,20,000 पर मंथ ईच फॉर 31st December 22, ईयर एंडिंग 31st December 22। 1,20,000 देते थे। एट द स्टार्ट ऑफ 2023 कंपनी रेज्ड सैलरीज बाय 10% टू 1,32,000 पर मंथ ईच। सो ये पहले 9 वर्कर्स को हम लोग पहले कितना देते थे, 1,20,000 फॉर 31st December 22, और बिगनिंग में ही अपन ने कितना बढ़ा के कर दिया, 10%, 132 कर दिया। 1st July कंपनी हायर्ड 2 ट्रेनीज एट अ सैलरी ऑफ 63,000 पर मंथ। तो अभी अगर जुलाई में आया है तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 महीना ही है ना, दो जन है। Workforce are paid salary on the first working day of every month. मतलब 1 महीने का outstanding रहेगा, हाँ 1 महीने का, जो last month है वो outstanding रहेगा, वो पिछले साल का current year में pay करेंगे और current year का next year, 1 month in arrear, so that employees receive their salary for January on first working day of February. You are required to calculate amount of salaries that would be charged to profit and loss. और 31st December 23, दूसरा एक्चुअल अमाउंट पेड और आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो ये सब अपन ने वर्कआउट कर रखा था, और देखो ईयर भी चेंज नहीं किया, ईयर के साथ 9 एम्प्लॉयज इंटू 1,32,000 इंटू 12 मंथ्स, बराबर। फिर पिछले साल का एक जो रहेगा ना, वो तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, वो तो पेमेंट में आएगा, और ट्रेनीज, 2 ट्रेनीज 63,000 इंटू 6 मंथ्स, एंड ये आ गया टोटल, बराबर। अमाउंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग अमाउंट तो क्या है ना, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 9, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ सैलरीज आउटस्टैंडिंग नहीं पेड। एक तो पिछले साल का पेमेंट है पहले महीने का, और करंट ईयर का 11 महीना, क्योंकि करंट ईयर का लास्ट मंथ तो नेक्स्ट ईयर पे होगा। सो 9 एम्प्लॉयज 1,20,000 इंटू 1 मंथ,
सो पिछले साल का 1,20,000 करंट ईयर में 1 जनवरी को दिया और करंट ईयर में 11 महीने का 9 employees into 11 months प्लस वो जो 63,000 वाले दो एम्प्लॉय थे ना उनको भी 5 महीने का पेमेंट हुआ है, 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है। सो ये आ गया टोटल। और रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग, लास्ट मंथ का आउटस्टैंडिंग है 1,32,000 और 63,000, 9 employees का 1,32,000 और 2 employees का 63,000, ये आउटस्टैंडिंग है। एक बार और वापस से छाप लो इसको, ये क्या नंबर बी है क्या, बी का 2। क्वेश्चन नंबर 5B2। B1 और 2 ऐसा चॉइस दिया। पहले हमने एमटीपी में किया हुआ, एक मिनट आई, ये अपना MTP 3 है ना, MTP 3। चलो कर लो एक बार और कॉपी कर लो। ये क्वेश्चन कोई टॉपिक से रिलेटेड नहीं होता, ऐसे ही है, जनरल क्वेश्चन दे देते हैं, जो मैनेज कर लेता है वो राइट कर देता है, नहीं तो मार्क्स लूज कर लेता है। हो गया, आफ्टर दिस ओनली वन क्वेश्चन इज रिमेनिंग।
क्या वो नहीं हुआ क्या अभी? Yes, can we start? We'll go for the last question. See, don't get carried away by the festival season. काम चालू रखो नहीं तो बहुत भारी पड़ जाता है कभी कभी. मैं तो देख रहा हूँ कोचिंग क्लासेस भी गरबा का पास दे रहे बच्चों को. अरे पढ़ाओ ना शांति से. हमारा तुमने हमको फीस क्यों दिया है गरबा का पास? पढ़ना है तो हमारे पास आ जाना, बाकी मजा करना है तो सब क्लासेस भरे पड़े, मजा करो जाके. अटेम्प्ट एनी वन आउट ऑफ टू सफर्स, तो अपना पहला तो हो ही गया ना. क्या लिखा है? मिस मनीषा इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ सेलिंग मैगजीन्स. सेवरल ऑफ आवर कस्टमर्स पे मनी इन एडवांस for subscribing this magazines. Information related to year ended 31st March 24 has been given below. On 1st April 23, he had a balance of 6 lakhs advance from customers. फर्स्ट अप्रैल 23 का मतलब है बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो गया. डेटर्स अकाउंट में जब एडवांस होता है ना तो ओपनिंग बैलेंस ये बाजू होता है. तुमको याद है एक प्रॉब्लम कराया था सिंगल एंट्री में एडवांस फ्रॉम डेटर्स कितना है? 6 लाख, ऑफ विच 4,50,000 इज रिलेटेड टू 2023-24. While remaining pertains to the year 24-25. 4,50,000 तो करंट ईयर के लिए है और बाकी अगले साल के लिए. 24-25 तो नेक्स्ट ईयर हो गया ना, क्योंकि अपना करंट ईयर एंडिंग है 23-24. ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 शी मेड कैश सेल्स ऑफ 15 लाख. Now we are required to compute total income for 23-24 and total money received during the year. If the closing balance in advance from customer's account is 5,10,000. Now I am simplifying this question. ये जो हम लोगों ने question read किया है ना, इसको simplify करता हूँ. एक debtors account बनाएंगे, उससे एक अपना काम हो जाएगा. और ये question एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि रिसेंट अगर आरटीपी में भी है ये वाला, रिसेंट ये कौन सा एमटीपी चल रहा है ना, तो रिसेंट है, अगर एमटीपी में है ना तो एग्जाम में आ सकता है. सो एक डेटर अकाउंट बनाओगे. प्रिपेयर वन डेटर्स अकाउंट फॉर 5 लाइंस. Five lines sufficient. Debtors account 5 lines.
कैश बैंक अकाउंट 5 लाइंस, ये मेरा तरीका आंसर देने का। डेटर्स अकाउंट 5 लाइंस, कैश बैंक अकाउंट 5 लाइंस, और उसके नीचे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, थर्टी फर्स्ट मार्च 2024, और मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्रेडिट साइड, मेरे को डेबिट साइड से कोई मतलब नहीं, मेरे को क्रेडिट साइड की इंफॉर्मेशन चाहिए। 4 लाइंस, बाय सेल्स, बाय सेल्स कैश क्रेडिट, और ये टोटल इनकम फॉर द ईयर, टोटल इनकम फॉर द ईयर डन। सो देख लो, हम लोग ने 3 अकाउंट बना लिए ना, डेटर, कैश बैंक एंड ट्रेडिंग अकाउंट। नाउ ये प्रॉब्लम रीड करके जो मेरे को समझा ना कि इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले मैं ये इंफॉर्मेशन लूंगा, ड्यूरिंग द ईयर मिस मनीषा मेड अ कैश सेल्स ऑफ हाउ मच, 15 लाख। कैश सेल्स की एंट्री क्या आती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15 लाख, और इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में 15 लाख, ठीक है ना। फिर उसके बाद अब मैं जा रहा हूं, मिस मनीषा इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ सेलिंग मैगजीन and several customers pay money in advance. Information about current year 31st March 2024 का मतलब है 23-24 ये current year है, has been given below. 1st April advance, she had a balance of 6 lakhs advance from customers. So 6 lakh advance from customers है। Customer से जब receivable होता है तो बोलते हैं 2 balance BD, लेकिन अगर कस्टमर से रिसीव्ड इन एडवांस है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख, और ये 6 लाख में से बोलते हैं करंट ईयर में 4.5 लाख रुपए का एडवांस एडजस्ट कर लो, तो काहे में एडजस्ट कर लो। आज अगर मेरे को, मैं तुमको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, मेरे को ये पूरे क्लासरूम का फर्नीचर बनाने का, और तुम सब इंटीरियर डिजाइनर हो, तुमने मेरे को कोटेशन दिया 12 लाख रुपए का, यू हैव गिवन मी कोटेशन ऑफ 12 लाख, मैंने तुम लोगों को दे दिया 6 लाख काम शुरू करने के पहले ही 6 लाख रुपए दे दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? एडवांस। हैव यू गॉट इट? यू रिसीव एडवांस। मैं तुम्हारा कस्टमर हूं, फॉर यू ऑल आई एम योर कस्टमर। अभी ये 6 लाख रुपया जो एडवांस दिया है ना, मैं बोलूंगा 1.5 लाख, इसमें से ना 4.5 लाख रुपया जो तुम सर्विस दोगे उसके सामने एडजस्ट करो। तुम इंटीरियर का काम करोगे ना मेरा, तुमने कोटेशन कितने का दिया है? 12 लाख का। सपोज 12 लाख का कोटेशन दिया, लेकिन मैं एडवांस कितना एडजस्ट करने बोल रहा हूँ? 4.5 लाख। हैव यू गॉट इट? तो तुम लोग 4.5 लाख तक का जो भी काम करोगे, तुम तो मेरे को सर्विस दे रहे हो, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और क्या, गुड्स बेचो या सर्विस बेचो, तुम्हारे लिए क्या, तुम एंट्री क्या पास करोगे? डेटर्स टू सेल्स। लेकिन डेटर्स टू सेल्स, अरे डेटर्स टू सेल्स, ये कितने अमाउंट तक ये एडवांस से एडजस्ट होएगा? 4.5 लाख। बाकी पैसा तो लेना रहेगा ना मेरे से। अच्छा, कितना एडवांस अकाउंट में अभी भी पड़ा हुआ है? 1.5 लाख। टोटल मैंने तुमको कितना दिया था? 6 लाख। और कितना एडजस्ट करने बोला है? 4.5 लाख। तो तुम्हारी जो 4.5 लाख तक की सेल्स है ना, वो तो एडवांस के सामने एडजस्ट हो गई। इन शॉर्ट,
बोलते इसमें से 4,50,000 पर्टेन्स टू करंट ईयर, ये 6 लाख में से 4,50,000 पर्टेन्स टू 2023-24। इसका मतलब है जो करंट ईयर में सेल्स हो गया ना, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं डेटर्स टू सेल्स, और बाद में पैसा लेते हैं ना सामने, कैश बैंक टू डेटर्स, तो पैसा तो लिया हुआ है ना, अरे पैसा तो लिया है ना, 4.5 लाख है ना इसमें, तो पैसा तो लिया हुआ, इसके सामने बोलेंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सो ये 4.5 लाख एडजस्ट हो गया ऑटोमेटिकली, जो कलेक्शन करने वाले थे वह पहले आ गया था डेटर्स टू सेल्स, लिख दिया गया। और ये जो सेल्स लिखा इसका सेकेंड इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट हियर 4,50,000, सो ये हो गया 19,50,000 टोटल इनकम फॉर द ईयर, 19,50,000 इज टोटल इनकम फॉर द ईयर। बच्चों समझा क्या? Yes. अब आगे क्या है, 4,50,000 तो करंट ईयर का है, वाइल रिमेनिंग पर्टेन्स टू द नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर के लिए, बाकी जो 1.5 लाख है वो फ्यूचर के लिए। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल इनकम, मिल गया ना टोटल इनकम, निकाल तो दिया मैंने, बराबर ना। और क्या बोला है, टोटल मनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज द क्लोजिंग बैलेंस इन एडवांस कितना, 5,10,000, एक मिनट, 5,10,000। ऊपर का अभी कितना एडवांस एडजस्ट होना बाकी था, 1,50,000, तो क्लोजिंग बैलेंस में ये 1.5 लाख तो है ही, उन्होंने क्लोजिंग बैलेंस कितना बोला है, तो 5,10,000 में से 1.5 लाख तो यही है, और जो बाकी है वो करंट ईयर में मिला होगा, डिफरेंस कितना आता है, 3 लाख आ, तो करंट ईयर में और एडवांस मिला होगा, करंट ईयर में और एडवांस मिला होगा, वो तो अभी क्लोज करके मिल जाएगा, कितना हो गया, 9,60,000, 9,60,000 में से 6 लाख निकालो, देख लो आ गया 3,60,000। दिस इज फर्दर एडवांस रिसीव। अगर सेल्स ओपनिंग बैलेंस के सामने एडजस्ट हो गया तो ये एडवांस ही तो है, और क्या, बिना सेल्स के अगर पैसा मिल रहा है कस्टमर से, सेल्स तो वो 4.5 लाख रुपए ओपनिंग एडवांस के सामने एडजस्ट हो गया, सेल्स किया नहीं और पैसा मिल रहा है तो ये एडवांस ही तो है, वही 3,60,000 आ गया। सो बाय कैश बैंक, तो कैश बैंक के डेबिट में लिखेंगे टू एडवांस फ्रॉम डेटर्स 3,60,000। इसको तो वर्किंग नोट बना लो, और ये मेन सॉल्यूशन हो गया, ये दोनों मेन सॉल्यूशन हो गया, कितना आ गया 18,60,000। उनको टोटल कैश चाहिए था ना, टोटल कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 18,60,000 बाय बैलेंस सीडी, ये लो ये टोटल कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, और दूसरा क्या है, ये टोटल इनकम फॉर द ईयर, दिस इज टोटल इनकम फॉर द ईयर। देखो ना, मेरे को सिंप्लीफाई करके सिखाने का था, मैंने सिखा दिया। 6 लाख रुपए का जो एडवांस था ना, उसमें 4.5 लाख रुपया तो गुड्स बेच दिया, उसको एडजस्ट हो गया, और वो 1.5 लाख रुपया एडवांस जो एडजस्ट नहीं हुआ वो क्लोजिंग बैलेंस में है, लेकिन मेरे को बोलते हैं 5,10,000 का क्लोजिंग है, मतलब और एडवांस लिया, सेल्स किया नहीं, पैसा मिल गया तो ये एडवांस और बैलेंसिंग फिगर आया ना, बैलेंसिंग फिगर आया। सो दिस इज हाउ, नाउ दिस इज वेरी सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन, जब भी तुम इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे और एग्जाम में अगर आ गया ना, तो तुम इनके सॉल्यूशंस तो पागल हो जाओगे, एमटीपी के सॉल्यूशंस तो तुम लोकेट ही नहीं कर सकते हो, क्या दिया क्या, व्हाट दे आर डूइंग यू वोंट बी एबल टू लोकेट इट। सो ये अपने को आराम से हम लोग लोकेट कर पाते हैं कि 4.5 लाख रुपए का तो सेल्स एडजस्ट हो गया, ये रहा। अब सेल्स किया नहीं फिर भी 3,60,000 मिल रहा है ना, तो ये एडवांस सेल्स, एडवांस फ्रॉम डेटर्स, ठीक है ना। चलो दिस इज डन एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस एमटीपी, ये अपना एमटीपी कंप्लीट होता है, वी हैव डन
each and every question. So I take this MTPS complete. मेरे तरफ से complete.